शांति आज 10 फरवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी ओम शांति दीदी ओम शांति बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप को जानी जानन हार भल कहते हैं परंतु हरेक को अपना समाचार जरूर देना है समाचार देने देंगे तो सावधानी मिलेगी प्राय ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि श्री बाबा जानी जानन हार है तो श्री बाबा सब कुछ जानता है हमें बाबा को बताने की आवश्यकता क्या है बाबा सब कुछ जानता है निसंदेह बाबा सब कुछ जानता है लेकिन बच्चों का फर्ज क्या है वो बाबा वो संस्कार डालना चाहता है बच्चों का फर्ज है हर प्रकार का समाचार बाबा को देना तो वो बाबा कहते हैं कि बच्चों का कर्तव्य बाप को समाचार देवे मैं जानी जाना हूँ ठीक है लेकिन अपना समाचार तो दो खुद भी तो कदम आगे बढ़ाओ प्रश्न है बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है हरेक का यथार्थ समाचार बाप को देना बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में ये भूत है इस कारण डिससर्विस होती है अपनी चलन सुधारो दे अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है इसलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती है कि सबको ज्ञान दो गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है बाबा जब सृष्टि का निर्माण करने आते हैं तो बाबा के सामने सब प्रकार के बच्चे होते हैं में जो बाबा को रहम पड़ता है और जिससे बाबा की एक महिमा भी है गरीब निवास तो बाबा कहते हैं कि मेरे ऐसे बच्चे जो हर प्रकार से गरीब हो गए हैं उन बच्चों को ये नॉलेज दो उनको बाप की क्योंकि वो उसको सहज रूप से रियलाइज करेंगे और धारण करेंगे गीत है मुझको सहारा देने वाले जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि हैं वो तो समझ जाते हैं कि बरोबर परमपिता परमात्मा जिसकी बंदगी करते हैं उनकी ही महिमा है जो जो भी होकर जाते हैं उनकी महिमा गाते हैं कर्तव्य के ऊपर किसकी महिमा को जानते हैं किसकी महिमा को नहीं जानते हैं तुम बच्चे तो सबकी महिमा को जानते हो बाबा ने ये बताया कि कोई भी जो आत्मा है कर्म करके जाती है तो उसका यादगार तो बनता है तो जो बच्चे सेवा करके जाते हैं उनकी यादगार स्वरूप में महिमा भी की जाती है कीर्तन भजन भी होते हैं मंदिर भी बनते हैं परंतु बाबा कहते हैं जब वो उन मंदिरों आदि को देखते हैं अपने अगले जन्म में तो उनको ये बात की स्मृति नहीं होती ये हमारे ही और ना ही उनकी बायोग्राफी को जानते हैं बाबा कहते हैं ये मैं ही आकर के फिर समझाता और बताता हूँ बाबा को कहा जाता है जानी जानन हार परंतु जानी जानन हार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं कितने बच्चे समझते हैं हमारी दिल की बातों को तो बाप जानते ही होंगे फिर हम क्या लिखें परंतु ये रॉन्ग है बाप तो एक है इतने सब ढेर बच्चों के संकल्पों को रीड करेंगे क्या बाप तो यहाँ आते हैं आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं तो समझते हैं ये कैसे पढ़ते हैं निश्चय बुद्धि है वह नहीं ऐसे नहीं वहाँ परम धाम में बैठे ये ख्याल चलाते हैं ये समझना बच्चों की भूल है mm. लिखते हैं बाबा हम क्या समाचार दें आप तो सब कुछ जानते हाँ, हो बाबा ने कहा ये तुम्हारी भूल है ये भूल बाबा ने कहा है हम लोग इतने लागर सो जाते हैं कि बाबा तो सब जानते हैं जाने जाने तो हम क्यों बोले एक आत्मा थी अब एक तो बाप दादा की पधरामी थी तो बाबा बाबा को उसका पता था और उसको भी पता था कि बाबा को पता है लेकिन अपने मुख से नहीं वो बोल रही थी तो बाबा ने बहुत मीठा मुस्कुरा करके कहा लेकिन बात तो है ना तब उसको रियलाइज हुआ कि मुझे बाबा को बोलना चाहिए मौका है बाबा से क्षमा लेनी चाहिए जो भूल की है भगवान के सम्मुख हो और तो भी शांत हो ये सोच के कि भगवान सब कुछ जानता है आखिर बाबा ने उस आत्मा पर रहम किया और कहा आखिर बात तो है ना तब उस आत्मा को रियलाइज होता है और वो आत्मा उसको स्वीकार करके फिर उसने भी परिवर्तन अपना लाया तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अपनी चलन का पढ़ाई का समाचार देना है पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है फिर बाबा ने कहा कि हरेक को अपना समाचार देना है इसलिए हर सेंटर से पूछते हैं बारह मास के आने वालों का रजिस्टर और हर एक का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो अगर बाबा जानते हों तो क्यों पूछें hmm. जो कुछ उनको जानना है वो इनको भी जानना है थ्रू तो इनके है ना, hmm. ट्रंक कॉल भी थ्रू होता है ना ऑपरेटर को चाहिए तो सुन सकते हैं परंतु मना है चाहे तो सुन सकते हैं उनके पास आवाज़ ठीक आता है तो यहाँ भी हर एक को समाचार सुनाना है बीच में किसको पता नहीं पड़ता तो फिर बी के मुक्र हैं समाचार देने के लिए जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं उन्हों का काम है पूरा समाचार देना हर एक को कारखाने का समाचार देना है जो सेंसिबल बच्चे हैं वो लिखते हैं बाबा फिर शिक्षा देंगे नहीं तो चाल सुधरेगी नहीं पूरा गुण धारण नहीं करेंगे दे अभिमान बहुत है इच्छाएं बहुत है दे अहंकार बहुत है सेंसिबल बच्चे छठ समाचार देते हैं कि ये कारण है जो डिससर्विस होती है बाबा सावधानी देंगे ये भूत हैं, निकालो नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा बाबा ने वही एक्सप्लेन किया कि जानी जान हार तो हूँ लेकिन तुम्हारा बताना भी कितना जरूरी है उसे बताने से एक तो रियलाइजेशन होती है बाबा से समीपता मिलती है और तीसरा बाबा की दया दृष्टि भी प्राप्त होती है बाबा क्षमा भी करता है तो बाबा तो हम बच्चों का कल्याणकारी हैं, तो कल्याणकारी पिता होने के नाते से हम बच्चों को एडवाइस करते हैं बाबा कि बच्चे अपना सब कुछ पूरा पोता मिल पूरा समाचार मेरे को अवश्य दो बाबा ने कहा ये जो प्रजापिता ब्रह्मा और फिर बी के सरस्वती दिखाते हैं सरस्वती के पास सितार है पहले पहले मुख्य गॉडस ऑफ नॉलेज जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी है उनको फिर सितार दी है पहले पहले मुख्य गॉडस ऑफ नॉलेज सरस्वती जगदम्बा फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान सागर बाप से ये ब्रह्मा भी सीखा तो बच्चे भी सीखे वो फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी स्वराज से राज राजेश्वरी बनती हैं तत्वम ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए ज्ञान ज्ञानेश्वरी ईश्वर से सहज राजयोग का ज्ञान पाकर राजाई पाई ये जो है टाइटल ज्ञान ज्ञानेश्वरी राज राजेश्वरी ये बाबा का दिया हुआ ओरिजिनल टाइटल है तुम बच्चे ज्ञान सुनते हो तो ज्ञान के मालिक बन जाते हो ज्ञान का आधिपत्य आ जाता है ज्ञान ज्ञानेश्वरी ज्ञान ज्ञानेश्वर और उससे ज्ञान से फिर तुमको क्या प्राप्ति होती है समझदारी से राजाई राज राजेश्वर राज राजेश्वरी राज 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 फिर बाबा ने हम बच्चों को बतलाया बाबा ने कहा कि वास्तव में धर्म शास्त्र है ही चार मुख्य हैं श्रीमद् भगवद गीता माई बाप बाकी हैं उनके बच्चे इस्लामी बौद्धि आदि धर्म वाले ऊंचे थे ऊँच है गीता फिर इस्लामियों का शास्त्र धर्म स्थापना के मुख्य शास्त्र ये हैं बाबा ने पहले भी एक्सप्लेन किया है शुरू में भी तो बाबा ने कहा कि तुम जानते हो विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई भी खड़ी है तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो ये सब पढ़ाई की बातें हैं यहाँ ऐसी कोई चीज़ होती नहीं जो चोर आकर उनसे उन कुछ सोना आदि लूटे ये तो पाठशाला है पाठशाला में किताबें नक्शे आदि होते हैं ये भी पाठशाला है ये नक्शे हैं डर की कोई बात नहीं चोर क्या करेंगे कोई वस्तु तो है नहीं बाकी तो गाया हुआ है किनकी दबी रहेगी धूल में बाप समझा रहे हैं कितने भी लखपति करोड़पति मल्टी मिलियनर हो सब धन खाक में मिल जाना है तुम्हारी है सच्ची कमाई सबसे मल्टी मिलियनर्स तुम हो तुम ये कमाई साथ ले जाएंगे तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफर करते हैं बाबा को कहते हैं बाबा हमको फिर स्वर्ग में देना ब्याज सहित कौड़ी बदले हीरा देना ये बच्चे बाबा को रमणीकता में कहते बाबा ये हम जमा कर रहे हैं आपके पास फिर हमको देना अर्थात बाबा तो पदम गुड़ा करके देते ही हैं लेकिन बच्चे रमणीकता में बाबा को कहते हैं बाबा कहते हैं कि इतनी प्रदर्शनी हुई एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुआ भल आते हैं समझने के लिए परंतु निश्चय बुद्धि एक भी नहीं है माया पूरा निश्चय में ठहरने नहीं देती है जैसे बांधेली गोपिकाएं कुमारियां घर बैठे लिखती हैं बाबा हम तो आपके हो गए हैं आपको जान लिया है हम आपके ही हैं मर जाऊंगी कब शादी नहीं करूंगी hmm. बंधन के कारण आ नहीं सकती हूँ थोड़ी ही चटक लगने से कैसे निकल पड़ती हैं और कोई के साथ दस, बीस वर्ष माथा मारो तो भी समझते नहीं बाबा के सामने ऐसे एग्जाम्पल थे उस समय बाबा ने कहा एक बहन थी उसमें कन्या थी बाबा बहुत उसको प्यार करते हैं तो बहुत उठाने की कोशिश की बाबा ने कहा कि भल अपनी अपनी तकदीर है तो भी मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी निकल रही है ना आजकल कितनी भाषाओं में मुरली हर देश में उनकी भाषा में मुरली जाती है कितनी बड़ी कारोबार है मैंने समझती कोई अखबार इतनी भाषा में ट्रांसलेट होता होगा बाबा ने आज वरदान दिया है बाबा बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं वह है स्थूल छत्र छाया और ये है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती दिल से बाबा कहा और सेफ चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता और स्लोगन है ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए अधीनता स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करने देती है ना और जो पराधीन व्यक्ति वो कभी सुखी नहीं रह सकता है इसलिए बाबू कहते हैं स्वराज अधिकारी ऐसे बनो जो किसी की भी अधीनता ना हो अपने संस्कारों की भी ना हो अपने शरीर की भी ना हो तत्वों की भी ना हो वस्तुओं के बिना तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें एट एट टू सिक्स फाइव डबल नाइन थ्री ज़ीरो नाइन पर और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे ओम शांति